सीवान में मुफसिल थाने के बगरा गांव में एक कलयुगी भाई ने अपने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। छोटी सी बात को लेकर दोनों भाइयों में तूतू मैमे होने लगी। इतने में ही दूसरे भाई ने घर में रखे तलवार से भाई के गले और हाथों पर वार कर दिया। जानलेवा हमले से घायल भाई ने तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हत्यारा भाई मौके से फरार हो गया। हत्या का पूरा ब्यौरा चश्मदीद रिश्तेदार ने दिया। गए हमारा घर से, अपने बहन घर से गए थे घूमने के लिए। मतलब घूमने गए तो जाकर वो बोले क्या, मतलब हम लोग गए वहाँ पर तो जाकर वो गाली देने लगा छोटा वाला। क्या नाम था उनका जो गाली दिया? तो पिंटू शर्मा। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? पूरा मन बताइए, बात बताइए। गाली दे रहा है तो गाली देने के बाद में हमको बोले कि आप चले जाइए मामा घर में। हमको मामा घर में पहुँचा दिए और उसके गए नहाने के लिए। नहाने के लिए उसके बाद क्या किया है, कैसे काटा है कलयुगी भाई ने न केवल अपने भाई का कत्ल किया है बल्कि रिश्ते का भी कत्ल कर दिया है। दुख की बात तो ये है कि इस भाई के गुस्से की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया, क्योंकि एक भाई की लाश पड़ी है और दूसरे भाई को कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा। इस हैरान करने वाली घटना से इलाके के लोग भी सदमे में हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीवान से निरंजन कुमार की रिपोर्ट।